बाबा पहलवान थे, तो जब गौ वाले बाबा उनको दूध लेके आते थे, जब शेर ये इनके पास बैठते थे तब बाबा डरते नहीं, गौ वाले बाबा डरते नहीं थे, उनको दूध ले उनको दूध देते थे बाबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। अभी आप देखा है रमजान बाबा की ज्यारत हो गई, अब हम चले हैं गौ वाले बाबा ये पहाड़ के सामने बाजू को, जो ये पहाड़ नज़र, हाँ ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो गौ वाले बाबा की दरगाह है, उधर हम जा रहे हैं। जाते जाते एक गौसपाक का चिल्ला भी है यहाँ, उसकी भी ज्यारत आपको कराएंगे हम। तुम्हें कुछ लेट ले औरंगाबाद किती दिवस कधी पासून आहोत तुम्ही? आम्ही 15 दिवसापासून। बरोबर, काय त्रास होत होता का? काय हा खूप त्रास आहे, 10-11 वर्षापासून कुठल्या दवाखान्यात सिग्मा हॉस्पिटलला चालू आहे, तिकडे भी फरक पडत नाही, सगळे दवाखाने करून थकलो, आता शेवट बाबाच्या दारावर। बाबाच्या दारावर बाबा करतात, हा आता बाबा ठीक करतील, असा भरोसा म्हणून शेवटची पायरी बाबांची होऊन जाईल, बाबांच्या ह्याच्याने होऊन जाईल। हा जो निराश बेसहारा और ये बाबा के इस पर आ जाते हैं सैलानी सरकार, और बाबा एकीदा है उनके, हर एकीदा उनको है कि बाबा उनका पूरी परेशानी दूर कर देते हैं, इसलिए सैलानी आ जाते हैं। ये मेरे सैलानी सरकार का करम है, हम जैसे को गरीबों को भी बुलाते हैं और सबको ही बुलाते हैं, जो चाहने वाले उनको बुलाते हैं। हम अब जा रहे हैं यहाँ गोसपाक बाबा का चिल्ला है, वो चिल्ले की तरफ दरगाह या अंदर बाजू की इधर, चले आप इनकी भी ज्यारत कराते हैं। ये कुछ मकान है जो आते हैं, ये जो मकान है जो बाबा के सैलानी के दर पे आते हैं वो यहाँ रह जाते हैं, कोई 40 दिन, कोई 15 दिन, या कोई अम्मास को भी आते हैं, इस यहाँ रह के फैज पा के जाते हैं। ये सैलानी बाबा की तरफ रमजानी बाबा और गौयाले बाबा तरफ जाते समय ये गोसपाक का चिल्ला है, ये एक यहाँ बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के पीछे बाजू को ये यहाँ गोसपाक का चिल्ला है, ये चिल्ला गोसपाक पिराने पीर दोस्तीगिर महबूब सुबानी अब्दुल कादर जिलानी का ये चिल्ला है। मुबारक, जो भी सैलानी में आता है उन्हें यहाँ की भी ज्यारत करना ज़रूरी है। अब यहाँ से हम आगे सामने वाली पहाड़ी पर जाएंगे, वहाँ गौ वाले बाबा का ये है चिल्ला, ये पहाड़ी इलाका, बाबा जो पहाड़ी में आके बैठ ले, ये देखिए पूरा पहाड़ हम आपको नजारा दिखा रहे हैं, वो हमारी बस उधर है बारसी सैलानी, यहाँ से बहुत दूर वो तालाब है, वहाँ एक तालाब के पास रुके लिए आपको दिखा रहे हैं। आप इधर गौ वाले बाबा तरफ हम जा रहे हैं, बाबा पहलवान थे, तो जब गौ वाले बाबा उनको दूध लेके आते थे, जब शेर ये इनके पास बैठते थे तब बाबा डरते नहीं, गौ वाले बाबा डरते नहीं थे, उनको दूध ले उनको दूध देते थे बाबा, इसलिए इनका नाम गौ वाले बाबा है। यहाँ भी आके मरीज शिफा पाता है। हम यहाँ के भी मुझे और से आपसे थोड़ी मुलाकात कर रहे हैं, ये गौ वाले बाबा जी उनका दरबार आ गया है।
नाजिन आप ज्यारत कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। हम आपको दरबार में लेके जा रहे हैं सीधा। ये गौरी वाले बाबा के दरबार। अच्छा हम आ गए गौरी वाले बाबा के दरबार में। अब यहाँ से खादिम से भी बात करेंगे हम। ये हजरत गौली शाह रहमतुल्लाह अलैह सैलन सरकार को दूध पिलाते थे। दूध पिलाते थे बाबा पहलवान थे जब इन्होंने दूध लेके ये दूध लेके आते थे। और आगे शेर की जाली है जाली वाले बाबा पर सरकार तिलावत करते थे सैलन सरकार। और शेर आके हाजिरी देते बाबा पहलवान थे इनके लिए दूध लेके आते थे गौरी वाले बाबा। इनकी मजा रहे यहाँ जियारत कर सकते हैं आप। चलो आगे चलते जाओ। यूट्यूब चैनल के द्वारा हम अभी गौरी वाले बाबा के पास पहुँचे। पहले तट को आपको सुल्तान बाबा फिर बैठे की बाबा रमजान बाबा फिर अभी तीसरे यहाँ गौरी वाले बाबा के पास आ गए हम। यहाँ की भी ज़ियारत करना ज़रूरी है। जो भी सैलानी में आता है उसने यहाँ की भी ज़ियारत करना ज़रूरी है। ये जो भी ऐसी शेर की हाजिरी आ जाती है ये बाबा की शेर की हाजिरी है और उसकी परेशानी दूर ख़त्म हो जाती है आने के बाद। आप जी आप कहाँ से? जी हम हैदराबाद से जनाब। हैदराबाद से कब से आते इधर सैलानी में? हमेशा आता हूँ सरकार की खिदमत में आ जाता हूँ बस। सैलानी का क्रम कुछ जितना बोले उतना ही कम है अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार का बहुत बड़ा एहसान है सरकार का नवाजते बस अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक तमाम जितने भी यहाँ पे भाई लोग आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती रही जाती है। ये देखिए पहाड़ी में बाबा के सब चाहने वाले दूर से वो गाड़े बस दिख रहे मोटरसाइकिल गाड़ा जीप चार चाकी दूर दूर से आते हैदराबाद तेलंगा बम्बई पूना से लोग आते हैं और फैज पाके जाते हैं। ये बाबा सैलानी का दरबार है। हर इसकी मुराद पूरी हो जाती है। जो भी आता है परेशानी उसकी परेशानी दूर हो जाती है। अभी आगे हम जाली वाले बाबागंज आगे क्या जा रहे हैं।